इरा फिल्म्स के बैनर तले अशोक प्रसाद ने पिछले महीने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर अभिनेता बने राजनेता नामक भोजपुरी फिल्म का ऐलान किया था। मीडिया के साथ बातचीत में अशोक प्रसाद ने कहा कि भोजपुरी के टॉप बड़े स्टार्स पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ को एक साथ लेकर बड़ी फिल्म बनाने की योजना है। आइए सुनाते हैं और क्या कहा अशोक प्रसाद ने मीडिया से खास रिपोर्ट। ये अवार्ड है आइकॉनिक आइकॉनिक प्रोड्यूसर एज प्रोड्यूसर, किस तरीके के प्रोड्यूसर, आइकॉनिक प्रोड्यूसर अवार्ड मिला है एंड एंटरप्रेन्योर एज बिजनेसमैन। ये नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है, नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा धमाल करने का ही प्लान है। ये बायोग्राफिकल मूवी है, उनकी लाइफ की जर्नी है अभिनेता से राजनेता, और सारे शूटिंग्स उनकी लाइफ के साथ कनेक्टेड जहाँ जहाँ प्लेसेस है वही हम शो करेंगे। जैसे आजमगढ़ हो गया, कलकत्ता की जहाँ से गायक उनकी सिंगिंग शुरुआत हुआ है। तो टी सीरीज के साथ में हमारी हिंदी कंटेंट है, हमारा अपकमिंग प्लान है, नेक्स्ट ईयर का प्लान। अभी तक नहीं, हम जो भी करेंगे सुपरस्टार के साथ में करेंगे, हुएवर एक्सपीरियंस्ड, जो लोग अपना ओरा बनाया है वही ओरा को ही हम हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा रिकग्निशन स्टार्ट हुआ है, तो इसके बाद भी हमारा जहाँ जहाँ जो भी अवार्ड फंक्शन होने वाला है तो हम एक्सपेक्ट करते हर जगह में मिलते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं जो पहले फिल्म निरहा के साथ में किया, बाकी लोगों के साथ में नहीं किया, ऐसा नहीं है। शुरुआत तो किसी से करना ही था मुझे, तो मेरा आसपास जो भी कनेक्टिंग लोग थे ये लोग निरहा के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड थे, नहीं तो अगर ये लोग पवन जी के साथ में कनेक्टेड होते तो वहाँ से हम शुरू करते। शुरू कोई तीनों अच्छा है, ऐसा नहीं कोई अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका टेस्ट अलग अलग है। सबका टेस्ट ऑल ऐसे, कोई मैंगो है, कोई ग्रेपी है, कोई एप्पल है, तो सारे फ्रूट में कंपेयर नहीं कर सकते, सबका टेस्ट अलग अलग है, सारे अच्छा टेस्ट है। पूरा के बायोग्राफी अच्छा लगा, उनके नाम पे उनके लाइफ के ऊपर हमने मूवी बना दी है। पवन जी की सिंगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका ब्रदरहुड इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, किसी से एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। ये चीज़ हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, काम के बारे में बहुत पैशनेट है एक इंसान, इतना पैशन है, जीरो से ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक पहुँचना, अपना ओरा बनाना, इट्स रियली टफ। जस्ट गेस्टर ब्रदरहुड मिला है, तो हम ऐसा देख रहे हैं, हमें हमारे हाथ में लेटेस्ट 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 फ़ोन है, तो उनके हाथ में भी सेम फ़ोन लेटेस्ट होना सही है, इसलिए गिफ्ट करना पसंद करते हैं सबको। अगर हम जिनको दिल से मानते हैं, तो आई थिंक मेरा हाथ में फ़ोन है तो उनके हाथ में क्यों नहीं है, सेम फ़ोन उनके हाथ में भी होना सही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।